नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सेल साइकिल अर्थात कोशिका चक्र। कोशिका चक्र की खोज किसने की थी, कोशिका चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और कोशिका चक्र का क्या महत्व है, कितने समय में पूर्ण होता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोशिका चक्र होता क्या है। कोशिका चक्र अर्थात सेल साइकिल के बारे में सर्वप्रथम हार्वर्ड और पेले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? हार्वर्ड एंड पेले। हार्वर्ड और पेले नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि जो कोशिका चक्र होता है, उस कोशिका चक्र में मुख्यतया दो अवस्थाएं होती है, दो चक्र होते हैं, जिसमें जो पहला जो चक्र होता है वो कहलाता है अंतरावस्था। पहला जो चक्र होता है वो कहलाता है अंतरावस्था और दूसरा जो चक्र होता है वो कहलाता है विभाजन, विभाजन अवस्था। अब बात करते हैं अंतरावस्था में। अंतरावस्था में इन्होंने तीन चक्रों में बांटा है, G1, S और G2 फेज। G1 फेज जो है उसको G का मतलब है यहाँ पर गैप, G1 फेज। S का मतलब होता है संश्लेषण और G2 का मतलब है सेकंड फेज और M का मतलब हो गया डिवीजन, जो किस प्रकार से इसमें माइटोसिस का जो डिवीजन चलेगा वो किस प्रकार से होगा। तो इन सब के बारे में इन्होंने हार्वर्ड और पेले ने विस्तार पूर्वक बताया था। सबसे पहले हम बात करते हैं G1 फेज की, अर्थात जो पहली जो अवस्था है G1 फेज की बात करते हैं। G1 फेज में क्या होता है कि प्रोटीन, एंजाइम और आरएनए संश्लेषण के लिए जो बनाए जाने वाले जो उत्पाद है, उन सभी का जो संश्लेषण होगा वो किस में होगा? G1 फेज में होगा। G1 फेज के समय की बात करें तो कुल जो चक्र है उसका 30-50% जो समय है वो G1 फेज में पूर्ण हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है आधा जो समय है, 30-50% का जो समय है वो G1 फेज में पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी जो अवस्था है वो है S फेज। अब यहाँ पर S से हमारे को ज्ञात होता है कि S का मतलब होता है संश्लेषण। अर्थात इस अवस्था में पदार्थों का या उत्पादों का संश्लेषण होगा। लेकिन कौन से पदार्थों और उत्पादों का संश्लेषण होगा? इसमें DNA का संश्लेषण होगा और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अब बात करते हैं DNA के संश्लेषण और हिस्टोन के संश्लेषण की। तो हिस्टोन के संश्लेषण की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन कई प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो जो दूसरी जो फेज है, उस दूसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था में DNA और हिस्टोन का संश्लेषण होगा और ये जो अवस्था है ये G1 अवस्था के बाद वाली अवस्था है और इस अवस्था में कुल जो चक्र है उस चक्र का 30-50% समय लगता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि G1 अवस्था और S अवस्था दोनों अवस्थाओं में जो समय है वो बराबर लगता है, दोनों में 30-50% तक का समय लगता है। यहाँ पर S जो अवस्था है उसके बारे में कई बार बड़े बड़े RPMT, CPMT, AI
पीएमटी है, इसके अलावा कई जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं उनके इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं, उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक, इनके बारे में छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं कि जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो कौन सी अवस्था में होता है। तो इन सब के बारे में हमारे को जानकारी होनी चाहिए कि एस का मतलब ही यहाँ पर सिंथेसिस है अर्थात संश्लेषण। तो जो एस अवस्था है उसमें डीएनए का संश्लेषण होगा और हिस्टोन का संश्लेषण होगा, ये दो अवस्थाएं हो गई। अब तीसरी जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, वो G2 अवस्था है। G2 जो अवस्था है वो S अवस्था के बाद में संपन्न होती है और इसको G2 अर्थात सेकंड गैप अवस्था है। इस अवस्था में माइक्रोट्यूब्यूल्स और बचे हुए कुछ प्रोटीन्स हैं, आरएनए हैं, इनका संश्लेषण होगा। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसका जो समय होगा वो मात्र 10-20% समय होगा, क्योंकि पूर्व में जो हमने जीवन और एस जो अवस्थाएं पढ़ी है उन दोनों अवस्थाओं में कुल जो कोशिका चक्र है उसके समय का 30-50% समय तो जीवन अवस्था में पूरा हुआ और 30-50% जो समय है वो एस अवस्था में पूर्ण हुआ। उसके बाद में तीसरी जो अवस्था आई है वो कौन सी है, G2 अवस्था है। G2 अवस्था में 10-20% समय लगता है और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रकार ये यहाँ पर तीन जो अवस्थाएं हैं जीवन, एस और G2, इन दो तीनों जो अवस्थाएं हैं इनसे मिलकर के कौन सी अवस्था बनती है, अंतरा अवस्था बनती है। अब इसके बाद में हम कोशिका चक्र का जो दूसरा चरण है वो कौन सा है, विभाजन अवस्था। विभाजन में हमने इसको नाम दिया है एम फेज। एम का मतलब यहाँ पर किससे है, माइटोसिस। किससे है, माइटोसिस। माइटोसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब हम बात करते हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है उस समसूत्री विभाजन में भी चार अवस्थाएं होती है। चार अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, पहली जो अवस्था होगी वो क्या होगी, प्रोफेज। दूसरी जो अवस्था होगी वो होगी मेटाफेज। तीसरी जो अवस्था होगी वो होगी एनाफेज। और लास्ट वाली जो चौथे नंबर की जो अवस्था होगी उसे हम कहते हैं टीलोफेज। यदि हिंदी की बात करें तो प्रोफेज अर्थात पूर्वावस्था, मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था, एनाफेज यानी कि पश्चावस्था और टीलोफेज यानी कि अंत्यावस्था। आपने पिछली कक्षाओं में भी मेटाफेज के बारे में पढ़ा होगा। तो ये कोशिका चक्र का ही दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटाफेज की खोज किसने की थी, अर्थात समसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले बताया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने सबसे पहले समसूत्री विभाजन नाम दिया और उन्होंने बताया कि कोशिकाओं, एक कोशिका से यदि दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाए या दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाए तो ऐसा जो विभाजन है वो क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन में कुल चार अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं बाहरी तरफ पर ये क्या है, सेल वॉल है, इससे नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये नीचे की तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो आपको बीच में गोलाकार जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपको उलझे हुए रुई के धागे के समान छोटे छोटे गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो पूर्वावस्था होती है उस पूर्वावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। इसके अलावा स्पष्ट रूप से ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं और इसमें जो न्यूक्लियो
न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका है वो केंद्रिका भी पहले जब ये अवस्था प्रारंभ होती है तो बहुत कम दिखाई देती है, परंतु जब ये अंतिम चरण में होती है तो स्पष्ट रूप से ये हमारे को बीच में दिखाई देने लगती है। तो कहने का मतलब इसके लक्षण हो गए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सभी प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी और जो गुणसूत्र हैं वो लिपटे हुए हमारे को दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो केंद्रिका है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये पूर्वावस्था के लक्षण हो गए। दूसरी जब हम अवस्था की बात करते हैं तो दूसरी जो अवस्था है वो कौन सी है, मेटाफेज। मेटाफेज को हिंदी में कहते हैं मध्यावस्था। अब एक बात ये है कि जो पूर्वावस्था है, पूर्वावस्था में चारों अवस्थाओं से सबसे लंबी अवस्था माना जाता है, क्योंकि इसमें पूर्ण होने में सबसे अधिक समय लगता है। इस कारण से सबसे जो लंबी अवस्था है वो क्या है, पूर्वावस्था है। बात करते हैं दूसरी मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे अपहासित हो जाती है, टूट जाती है, और जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्र एक बीच में प्लेट में आ जाते हैं, जिसको हम मध्य प्लेट बोलते हैं, मेटा प्लेट बोलते हैं। और इस प्लेट में आकर के ये जो गुणसूत्र हैं एक लाइन में सेट हो जाते हैं और इनके आसपास जो तर्कु तंतुओं का जो निर्माण होता है वो माइक्रोट्यूबुल्स प्रोटीन्स के कारण इनका निर्माण हो जाता है। और इसके जो दोनों सिरों की ओर जो इंटरिये जो पोल दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार इसमें जो मुख्य जो लक्षण है वो क्या हुआ कि इसमें जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्र मध्य प्लेट में आ जाते हैं। इसी कारण से इसका नाम क्या दिया है, मध्यावस्था नाम दिया है। इसके अलावा गुणसूत्रों को यदि अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो मेटाफेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें इसमें अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। और गुणसूत्रों की जो आकृति होती है वो अंग्रेजी के अक्षर एल आई जे के समान होती है। कहने का मतलब ये है कि ये गुणसूत्र L के समान आकृति में बन सकते हैं, I के समान बन सकते हैं, J के समान बन सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अंग्रेजी के अक्षरों के समान जो मेटाफेज अवस्था है इसमें गुणसूत्र हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अध्ययन की दृष्टि से भी ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं। तीसरी जो अवस्था है वो है एनाफेज। एनाफेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चावस्था। पश्चावस्था है, ये पश्चावस्था सभी चारों अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में सभी चारों अवस्थाओं की तुलना में कम समय लगता है। इस कारण से इसको पश्चावस्था कहते हैं। पश्चावस्था की यदि हम बात करें तो इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो अवस्था होगी वो प्रोफेज होगी और सबसे छोटी जो अवस्था होगी वो क्या होगी, एनाफेज होगी। अब हमने देखा था एक मध्यावस्था में क्या हुआ था, गुणसूत्र बीच वाली प्लेट पर आए थे, परंतु इसमें क्या होगा, एनाफेज है, पश्चावस्था में क्या होगा, तर्कु तंतुओं में आकर्षण और विकर्षण की क्रिया के कारण अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिसके कारण जो द्विकुंडली जो गुणसूत्र थे वो गुणसूत्र जो बंधे हुए थे सेंट्रोमियर से, वो गुणसूत्रों पर आकर्षण विकर्षण की क्रिया होकर के दोनों तरफ दबाव पड़ेगा तो गुणसूत्र अलग अलग हो जाएंगे और गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। अर्थात इस अवस्था में क्या होगा कि गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। आधी का मतलब ये हो गया कि आधे जो गुणसूत्र हैं वो ऊपरी छोर की ओर चले जाएंगे और आधे जो गुणसूत्र हैं वो निचले ध्रुवों की तरफ आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मेटाफेज में ये जो गुणसूत्र थे वो क्या है, द्विकुंडली, तो डबल फेज में ये बीच में दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसमें एनाफेज अवस्था में ये आधे गुणसूत्र नीचे की ओर आ गए और आधे गुणसूत्र ऊपरी ध्रुवों की ओर चले गए। तो ये जो अवस्था है ये भी एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। कई बार इससे पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र की आधी संख्या कौन सी अवस्था में होती है, तो एनाफेज अवस्था में होती है, और गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की तरफ कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, तो वो एनाफेज अवस्था में चले जाते हैं। ये तीसरी अवस्था पूर्ण हुई। अब हम बात करते हैं लास्ट जो अवस्था है वो कौन सी है,
टीलोफेज, टीलोफेज अवस्था को हम क्या कहते हैं, अंत्यावस्था कहते हैं। ये समसूत्री विभाजन या मेटाफेज या डिवीजन फेज की अंतिम अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में ये जो हमारे को एनाफेज में जो गुणसूत्र दिखाई दे रहे थे, इन गुणसूत्रों के चारों ओर पुनः न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, और केंद्रक झिल्ली का निर्माण होकर के बीच में सेल प्लेट का भी निर्माण हो जाता है। पादपों में सेल प्लेट का निर्माण होता है, जबकि जंतुओं में ऐसी कोई सेल प्लेट का निर्माण नहीं होता, क्योंकि पादपों के अंदर सेल्युलोज, लैक्टोज है, लिग्निन है, इन अन्य पदार्थों के जमा होने से सेल प्लेट का निर्माण होता है, जिसको हम कोशिका पट्ट विधि के द्वारा भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, लास्ट विधि में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः बनना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका का निर्माण पुनः शुरू हो जाता है, और जो गुणसूत्र है वो पहले जो पूर्वावस्था में थे वैसी ही स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है, और बराबर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार एक ही कोशिका से दो कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है वो क्रिया क्या कहलाती है, समसूत्री विभाजन कहलाती है, विभाजन अवस्था है। तो दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, दोनों पुत्री कोशिकाएं बराबर आकृति में हैं। तो इस प्रकार ये जो समसूत्री विभाजन अर्थात जो सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र का जो दूसरा जो चक्र है, दूसरा प्रकार या दूसरी जो अवस्था है, उसमें टोटल चार अवस्थाओं का अध्ययन किया है हमने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इससे पहले हमने अंतरावस्था का अध्ययन किया था, अंतरावस्था में हमने देखा था कि G1, S और G2 ये तीन अवस्थाएं होती है। G1 में प्रोटीन, एंजाइम और इसके अलावा जो अगली जो संश्लेषण होगा उसके लिए जो प्रभावी जो उत्पाद हैं उनका निर्माण होता है। S अवस्था में DNA और स्टोन का संश्लेषण, और G2 अवस्था में माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीन्स का और RNA का संश्लेषण होता है। M में हमने पढ़ लिया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आज की कालांश में हमने कोशिका चक्र किस प्रकार से निर्मित होता है, कोशिका चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं संपन्न होती है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आगामी क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।